Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका testbook.com में। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। एक के मनीष, तृष्णा, ठीक है, बोंगी, जगान, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, और सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज यहाँ पर आपने देखा होगा केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो केमिस्ट्री जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये फटाफट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये आपके सामने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज जेड एंड एटॉमिक मास इज एम, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक आपका मॉलिक्यूल है जिसका क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो जेड दिया गया है, एटॉमिक मास एम दिया गया है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, फटाफट से बताइए, तो बताइए फटाफट से क्या होनी चाहिए न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बताते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। ठीक है, फटाफट से बताते जाइए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बंगाल में बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, मुंबई में भी हो रही है। तो यहाँ पे पूजा ने बताया, बोंगी ने बताया, सर एक नंबर जो है उसको सही कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पर उसका क्या है एटॉमिक नंबर दिया गया है कितना, तो एटॉमिक नंबर वो दिया गया है जेड और एटॉमिक मास दिया गया है एम। तो ये क्या होता है, तो याद कर लीजिए अभी, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और यही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये तब होते हैं जब यहाँ पर कोई चार्ज ना लगा हो। अगर यहाँ पे चार्ज लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और ये हमारे क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो जेड जो हमारा एम है उसमें से क्या माइनस कर दोगे, जेड को माइनस कर दोगे। एम में से जेड को माइनस करोगे तो क्या जाएगा आपका, आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आपका क्या जाएगा, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बिहार में भी हो रही है, तेलंगाना में भी हो रही है, मतलब पूरी जगह पे बारिश हो रही है। तुम एक तेलंगाना से हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या है ये, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है, तो ये है सिर्फ प्रोटॉन। अगर मुझे यहां से न्यूट्रॉन निकालना होगा तो मैं प्रोटॉन को माइनस कर दूंगा, तो एम माइनस जेड। क्लियर है सबको, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेम शंकर बोल रहे हैं कि कानपुर में भी बारिश हो रही है, मतलब आज हर जगह पर बारिश हो रही है। मणिकांत ने बताया एक को लॉक कर दीजिए, तो एक को हमने लॉक कर दिया, तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने रिलेटिव मास होता है। ठीक है, मास जो है वो मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन का मास कितना होता है। मणिकांत बोल रहे हैं कि यूपी में नहीं हो रही है, उड़ीसा में पूरा क्लियर है। ठीक है, चलिए, मतलब पूरे इंडिया की जानकारी हमको मिल गई। तो यहां पर एके ने बताया कि सर 16 होनी चाहिए, प्रेम शंकर बता रहे हैं कि 16 होनी चाहिए, सब बता रहे हैं कि 16 होनी चाहिए, अब तेलंगाना से एके 47 बता रहे हैं कि 32 होनी चाहिए, प्रेम बता रहे हैं कि बी नंबर, मतलब देखिए O2 है। देखिए ऑक्सीजन का जब भी एटमोस्फेयर में रहती है तो O2 के फॉर्म में रहती है। और हमने क्या पूछा, इसका हमने पूछा कि मास नंबर क्या, आपका एटॉमिक मास कितना होगा। तो एक ऑक्सीजन का, देखिए मैं यहां पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिख रहा हूं 16। ठीक है, मास नंबर कितना है बेटा, तो 16 है। और मैं यहां पर क्या पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में हमेशा O2 के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो जब ये O2 के फॉर्म में है तो 16 दो बार हो जाएगा ना, तो क्या होना चाहिए, तो 32 होना चाहिए। ठीक है, हिमानी रावत बता रही है कि उत्तराखंड में हो रही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। ठीक है, तो 32 मतलब इसका सही जवाब है। ठीक है, बोंगी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जिसका नाम सौरभ भी है।
इनमें से कौन सी सबसे डक्टाइल मेटल है, डक्टाइल मतलब नमी धातु है, इनमें से कौन सी सबसे, बेटा तृष्णा अब कंफ्यूज मत होना कि एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो के साथ रहती है, दो, ठीक है, तो एक का 16 तो दो का कितना हो जाएगा 60 N2 2, तो आ जाएगा 32, ठीक है। हाँ, अब मणिकांत बता रहे हैं कि सर 32 को लॉक कर दिया। अब बताना है कि डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो देखिए एक ये मेटल है, ठीक है, जब मैंने क्या किया इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मतलब इसको पीटा, और पीटने पर क्या हुआ, ये जो मेटल था ये बढ़ता चला गया और किसके फॉर्म में हो गया, ये हो गया किसके फॉर्म में, एक वायर के फॉर्म में हो गया, ठीक है, वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको बोलते हैं डक्टाइल नेचर। जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी, ठीक है, उनको यह पढ़ाया जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है, उसमें डक्टिलिटी, ठीक है, मिलाबिलिटी, ये सब पढ़ाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा होता है जो कि जिसको हमने जो है फोर्स अप्लाई किया और वो किसमें बदल गया, एक तार में बदल गया या बढ़ने लगा, तो कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है वो गोल्ड में, होता तो इन सभी में लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड में होता है, इसीलिए लोग जो है वो गोल्ड के चेन्स जो है बनवाते हैं, ठीक है, गोल्ड के कई सारे आइटम बनते हैं क्योंकि उसके अंदर, गोल्ड एक मेटल नहीं है, कौन बोल रहा है, गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड बेटा मेटल है, इसका जो है क्या होता है AU, ठीक है, AU होता है, तो क्या होता है AU जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है, गोल्ड, ठीक है। अब मुझे आप क्वेश्चन बताइए, अभी हाल के बजट में गोल्ड के ऊपर GST को इंक्रीज कर दिया गया है, वो कितना परसेंट हो गया है, कितना परसेंट GST कर दिया गया है गोल्ड के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड है कि आपको बताना है कि गोल्ड के ऊपर कितना GST किया गया है, ठीक है, सोने के ऊपर कितना GST किया गया है, बताइए फटाफट से, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो मनोज बता रहे हैं 18% कर दिया गया GST, क्या भैया सही बता रहे हैं मनोज, मनोज जागिर जो है वो बता रहे हैं कि 18% कर दिया गया, अमन बता रहे हैं कि 18%, पूजा बता रहे हैं 18%, प्रबिता बता रहे हैं 28%, संतोष बता रहे हैं कि 12% कर दिया गया, प्रेम बता रहे हैं 18%, फाइम बता रहे हैं 8%, मतलब 18 और 3 इसी के बीच में जो है लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा गोल्ड है उसके ऊपर हमारा जो जीएसटी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, जो पहले 12% था उसको बढ़ा करके 18% कर दिया गया है, ठीक है, पहले 12% था उसको बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका सही जवाब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एटॉमिक रेडियस जो है उसको किसमें मीजर किया जाता है, एटॉमिक रेडियस जो है उसको आप किसमें मीजर करोगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो देखिए कोई भी एटम जो होता है, हाँ यहां पर कोई भी एटम जो होता है उसको आप लोग जानते होंगे उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारा ये न्यूक्लियस से, यहां से आपको देखना है, न्यूक्लियस से हमारे लास्ट जो ऑर्बिट होता है वहां तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। याद रखिएगा, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बताऊंगा तब मैं आपसे ये पूछूंगा, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस है कहां से, तो ये न्यूक्लियस से, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस न्यूक्लियस से कहां तक की, तो लास्ट ऑर्बिट तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, और इसको मीजर करते हैं हम लोग किसमें, तो नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, फटाफट से ये भी कमेंट करके बताओ कि नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मैंने बताया फिजिक्स की क्लास में। अनामिका गुड मॉर्निंग, नैनोमीटर सबने सही बताया, तो नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं फटाफट से बताइए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन बाय द हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को जब हमारा हाइड्रोजन का एटम अट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, किसी एटम को, जैसे कि हाइड्रोजन है और इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करता है, किसी
अपने आप को सैचुरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की क्या बोली जाती है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रो एफिनिटी, क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करने की पावर को। तो देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं सर चार नंबर जो है वो होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी भी जो हमारा एटम है वो क्या कर रहा है, वो किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो उसको क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी, क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी को अट्रैक्ट करना और अपने इलेक्ट्रॉन को दे देना, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है, याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ये एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और अट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, और देने को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी की तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी जाती है उसको बोलते हैं आयनोजेंशियल पोटेंशियल, आयनन विभव, क्या बोलते हैं आयनन विभव, याद रखिएगा आयनन विभव बोलते हैं। बेटा सोनी पॉजिटिविटी नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^9 meters, ठीक है, 10^9 meters होते हैं। गुड मॉर्निंग अभिजीत कुमार, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 12, फाइंड आउट द वैलेंसी, आपको इसकी वैलेंसी बतानी है कि अगर उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, इलेक्ट्रॉन रिशम कुमार मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जितनी क्या करते हैं हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो यहां पर लोग बता रहे हैं कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 12, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वैलेंसी निकालना तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जितने भी हमारे बोल सकते हैं कि एलिमेंट हैं वो चाहते हैं कि उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है, इसको पाने के लिए, इस सिचुएशन को पाने के लिए वो क्या करते हैं, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जब ये 4 से कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिविटी, ठीक है, और 4 से जब ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं जिसको बोलते हैं निगेटिविटी। तो यहां पर 2 है, मतलब ये क्या करेगा, चाहेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को दे दें, मतलब ये 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाए, और 2 दे रहा है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो कैसे में, पॉजिटिव में, ठीक है, 2 कैसे होने चाहिए, तो पॉजिटिव होने चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इनमें से जो हमारा इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस जिनका जो बोल सकते हैं लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन सभी गैसेस को कौन से ग्रुप में रखा गया है, जो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनमें इनर्ट गैसेस मतलब जो अक्रिय गैसें होती हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कौन से ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप 18, ग्रुप 17, ग्रुप 15 या ग्रुप 16, किस में रखा गया है। तो यहाँ पर किरण बता रहे हैं कि सर ग्रुप 8, करण बता रहे हैं, फहीम बता रहे हैं कि एक नंबर ग्रुप 18, ग्रुप 18 या जीरो ग्रुप भी इसको बोलते हैं, जीरो ग्रुप, ये आपकी इनर्ट गैसेस हैं। कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हीना नीना और करीना, ठीक है, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, हीना नीना और करीना का एक्सरे कैसा, रंगीन, तो ये सारे के सारे बेटा किस में आ गए, तो ये सारे के सारे, हाँ बेटा पीरियोडिक टेबल आपका करवा दिया जाएगा, एक्सप्लेन करके करवा देंगे, ठीक है, लाइव क्लास में करवा देंगे, थोड़ा सा अभी जो क्लासेस शुरू हो जाए लाइव उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है मोंगी। तो इनर्ट गैसेस हीना नीना और करीना का एक्सरे कैसा, रंगीन, तो ये सारी की सारी आपकी इनर्ट गैसेस हैं, इनके यूजेस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ एन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है, एक एटॉमिक नंबर जो है
एटॉमिक नंबर जो है किसी एटम का एन है तो आपको बताना है कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। अगर उसका एटॉमिक नंबर कितना है तो एटॉमिक नंबर अगर एन है तो बताइए कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको डब्ल्यू लिख देता हूं तो अब बताइए कि उसमें प्रोटॉन कितने होंगे। एन डब्ल्यू में रिलेशन बताना है आपको। हाँ, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो प्रेम बता रहे, देखो कंफ्यूज हो गया प्रेम, W माइनस N इन्होंने कर दिया कि सर W में से N को घटा दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है प्रोटॉनों की संख्या बतानी है जब आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है N और एटॉमिक मास दिया गया W। ठीक है, तो देखिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। तृष्णा बता रही कि N, N बता रही है तृष्णा। ठीक है, W प्लस N, ठीक है क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं क्या होना चाहिए। तो ये आपका बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, तो ये प्रोटोनों की संख्या होती है, या आपकी क्या होती है प्रोटोनों की संख्या होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ना लगा हो, ठीक है प्लस या माइनस का कोई चार्ज ना लगा हो, तो यही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, इलेक्ट्रॉन भी यही बताता है। ठीक है, और ये W क्या होता है, तो ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये सिर्फ आपका एन होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अहमद ने बताया कि प्रोटॉन सही है, अमित भी बता रहे हैं, अंदन भी बता रहे हैं, तो सबने बताया कि एन जो है वो सही होना चाहिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो कभी कभी हम आती हुई चीज भी गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे एटम की जो खोज है वो किसने की, एटम की जो खोज है वो किसने की। ठीक है, परमाणु की खोज जो है वो किसने की, न्यूटन ने, डाल्टन ने, थॉमसन ने या कूलम ने, किसने आपकी बोल सकते हैं कि एटम की खोज की। अमन बता रहे हैं एन, मंजीत एन, ठीक है एन बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर एक के 47 बता रहे हैं कि थॉमसन होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश बता रहे हैं कि दो नंबर होना चाहिए, फहीम बता रहे हैं कि सर दो नंबर होना चाहिए, डाल्टन होना चाहिए। तो सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि कोई भी जो हमारा मॉलिक्यूल है, कोई भी एलिमेंट है, वो उसका एक अविभाज्य अनडिविजिबल पार्टिकल होता है, जिसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग एटम। उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। किसने सबसे पहले बताया था, तो डाल्टन ने बताया था, इसको याद कर लीजिए, डाल्टन इसका सही जवाब है। डाल्टन ने बताया था कि जो एटम है वो आपका कैसा है, तो वो आपका अविभाज्य कण है, उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, न्यूटन फोर्स लॉ कहां से आ गया, न्यूटन ने फोर्स का लॉ दिया था। हाँ सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आइसोटोप के बारे में बताइए कि कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है आइसोटोप के बारे में सही है। चंदन मोहंती गुड मॉर्निंग, अनामिका बता रही है कि डाल्टन होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि आइसोटोप्स के बारे में कौन सा जो है वो सही है। अनामिका क्वेश्चंस के आंसर दो, गुड मॉर्निंग हो चुका है। समस्थानिकों के बारे में क्या सही है, एटम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स आयन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है इसका सही जवाब, देखते हैं कौन बताता है। तो एक नंबर लोग बता रहे हैं, मतलब एटम्स जो होते हैं, ठीक है, जिनका क्या सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एटॉमिक नंबर जिसका सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफर होता है, ऐसे जो है एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सेम टाइप्स के जो एटम है उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स, जो कि आपके सामने है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और इसको क्या बोलेंगे ट्राइटेनियम, ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो सबको ये पता है सर दो नंबर, दो नंबर, दो नंबर, बेटा किसने बताया दो नंबर नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होना चाहिए एक नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको बताना है कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्या, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्या है, 12, 13, 14 या 15, ठीक है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या है, सिलिकॉन बोंगी बता रहे हैं कि हैवी वाटर D2O ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है सर, इनविटेशन का भी एक क्लास करवा दो, चलो बेटा इसका जवाब दो, ठीक है, कि सिलिकॉन जो है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है। तो सब बता रहे हैं कि 40 नंबर जो है सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या होती है, वो 40 नंबर होती है। कौन से ग्रुप में आता है बताइए फटाफट से, जो हमारा सिलिकॉन है वो कौन से ग्रुप में आएगा, ठीक है। फर्स्ट ए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सिलिकॉन फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए या फोर्थ ए, किस में आएगा हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका किस में आएगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, सिलिकॉन आपका किस में आएगा। एसआई का 14, फास्फोरस का 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसका जवाब दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कार्बन फैमिली में आएगा, प्रेम बता रहे हैं कार्बन फैमिली को क्या बोलते हैं, यह बताओ कार्बन फैमिली को क्या बोलते हैं, 14th ग्रुप, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे पूछा था, तो आपको बताना है कौन सा, तो थर्ड बता रहे हैं फहीम, ठीक है, थर्ड ए नहीं होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए 4A, ठीक है, 4A होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि फोर्थ ए होगा बेटा, सोनी फोर्थ ए होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आइसोटोप्स दैट हैव 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने जो आपके सामने बताया था, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और क्या आपका तीसरा बताया था मैंने, क्या, तो तीसरा बताया था ट्राइटेनियम, इन तीनों में किसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक ही आपका प्रोटॉन है, बताना है आपको। प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, एक एक है, तीनों ना एक से ज्यादा है ना एक से कम है, तो शक्ति बता रही है क्या कि सर ड्यूटेरियम होगा, दो नंबर जो है वो ज्यादा नंबर बता रहे हैं। सान्याल बता रहे हैं कि आपका क्या होगा, तो प्रोटोनियम होगा, तो क्या होना चाहिए, तो अगर हम लोग बात करें क्या होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, प्रोटॉन है, इसको तो फुलफिल कर रहा है, चार्ज नहीं है तो एक ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन देखा जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब एक, और वो क्या चीज है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है तो प्रोटॉन ही एक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, तो दो हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी एक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी एक हो जाएगा, तो आपका ड्यूटेरियम जो है वो सही जवाब है, ड्यूटेरियम। बेटा पूछा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ट्राइटेनियम बोले हो, तो ट्राइटेनियम में क्या होगा, प्रोटोनियम नहीं, प्रोटोनियम बेटा न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, प्रोटोनियम एक ऐसा है जिसमें कि न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, आप इसमें से इसको माइनस करो क्योंकि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन एक ही है, तो सिर्फ ये प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर के दो है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाती है, उसको देख लेना, आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका ड्यूटेरियम होगा, यहाँ पर प्रोटॉन तो एक है, यहाँ पर प्रोटॉन तो एक है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो दो हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका सही जवाब क्या है, तो आपका सही जवाब है ये वाला, ठीक है, ड्यूटेरियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ओनली एलिमेंट विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, आपको बताना है कि जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होना है। प्रेमवीर गुड मॉर्निंग, अब आपको बताना है कि इनमें से किसके पास क्या नहीं होता है, कि इनके पास न्यूट्रॉन नहीं है, क्या वो कार्बन है, हीलियम है, लिथियम है या हाइड्रोजन है, इनमें से किसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो बहुत ही इजी सा है, तो हाइड्रोजन 1H1, ठीक है। अब बोलोगे सर वन, जब ये दो हो जाता है तब इसको लिखते हैं हमेशा, ठीक है, तो 1H1 मतलब इसके पास प्रोटॉन एक है, अब ये एक क्या है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन आपको पता है कितना, एक है, तो न्यूट्रॉन एक भी नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन जो है इसका सही जवाब होगा,
हाइड्रोजन जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये कि हाइड्रोजन इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का नाम जो है किसके नाम पर दिया गया? देखिए बहुत ही बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 90% जनता जो है इसका गलत जवाब देगी। ठीक है, 90% जनता जो है अभी मैं बता दे रहा हूं कि गलत जवाब देगी कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसके नाम पे रखा गया। ठीक है, जे जे थॉम्सन, जॉर्ज स्टैनले, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, किसके नाम पर रखा गया? तो यहां पर देखिए मैंने बोला था 90% जनता जो है वो गलत जवाब देगी, थॉम्सन थॉम्सन थॉम्सन, जे जे थॉम्सन के पीछे लोग जो है वो पूरी तरीके से थॉम्सन वाटरमेलन वाटर, लेकिन क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है जो जे जे थॉम्सन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो नाम जो है वो किसने दिया था? जॉर्ज जान स्टोन स्टॉनली ने। ठीक है, जॉर्ज जान स्टोन स्टॉनली ने दिया था, जो चंदन मोहंती बता रहे हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन दिया। इन्होंने क्या बताया था जे जे थॉम्सन ने? देखिए जे जे थॉम्सन ने जैसे कि बोंगी ने बताया कि इन्होंने क्या बताया था? वाटरमेलन स्ट्रक्चर बताया। देखिए क्या हुआ, फिर से मैं आप देखिए यहां पर कि डाल्टन ने बताया कि एटम को और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जाता है, कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है। ये किसने बताया? तो डाल्टन ने बताया। लेकिन उसके बाद जे जे थॉम्सन आए, उन्होंने बताया कि एटम के अंदर भी कुछ चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, हमारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर भी क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो यहां से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन खोज तो कर दी, डिस्कवरी का श्रेय इनको जाता है, लेकिन पूरा जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया वो जॉर्ज जॉन स्टोन स्टॉनली ने दिया था। ठीक है, ठीक है, तो पहला लाइव क्लास है तो बेटा समझो चीजों को। तो यहां पर बताया जॉन स्टैनली ने। अब यहां पर अगर पूछा जाए खोज किसने की, तो आप बोलोगे जे जे थॉम्सन ने, और किसने नाम दिया? तो जॉर्ज जॉन स्टॉनली ने। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनमें से एटम का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देखिए मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया, अब आपको बताना है कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो किसने खोजा था। ठीक है, रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, लेवासिए ने या मेंडलीफ ने, किसने खोला था? ठीक है बेटा मनीकांत, AK-47 बताओ फटाफट से। देखो एक के बता रहे कि लेवासी ने किया था, कृष्णा बता रहे हैं कि रदरफोर्ड ने, मनीकांत बोल रहे हैं कि मेरा गलत हो गया, प्रेम शंकर बता रहे रदरफोर्ड ने, मनीष बता रहे हैं कि सर रदरफोर्ड रदरफोर्ड, मतलब सभी लोग जो है वो रदरफोर्ड के साथ जा रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं इसका आंसर बताता हूं क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर है रदरफोर्ड। ठीक है, डाल्टन ने बताया एटम होता है अनडिविजिबल। ठीक है, उसके बाद से रदरफोर्ड ने क्या, सॉरी थॉम्सन ने क्या बताया कि वाटरमेलन के फॉर्म में होते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके अंदर। लेकिन रदरफोर्ड जी आ गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाते रहते हैं, तो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो रियल मॉडल है वो दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, ए नंबर जो है इसका सही जवाब है। जो लेवासिए जो है वो अगर हम लोग बात करें तो ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर आपसे पूछा गया तो लेवासिए है। और मेंडलीफ कौन है, तो पीरियोडिक टेबल जो है इन्होंने इन्वेंट की, पीरियोडिक टेबल जो है इन्होंने इन्वेंट की थी, किसने, मेंडलीफ ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा पहला मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? ये भी 90% जनता जो है वो गलत करेगी। मैं अभी से बता दे रहा हूं कि 90% जनता गलत करने वाली है। तो मुझे बताइए कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम या लिथियम? भूल गए लेकिन बेटा AK-47 पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीजें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहां पर बता रहे हैं, देखो बोंगी ने बताया कि Na है, ठीक है, हीलियम, हीलियम है, ठीक है,
हाँ प्रबिता ने बताया कि लिथियम है, हीलियम, लिथियम, लिथियम, स्किप सर नहीं बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, तो आप लोग पढ़ा होगा, तो पहला एलिमेंट आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन है, और उसके बाद से यहाँ पर आ जाता है क्या, तो हीलियम, फिर उसके बाद से यहाँ पर आता है लिथियम, फिर उसके बाद से यहाँ पर आता है क्या, तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, सोडियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या ये मेटल है, मेटेलिक एलिमेंट मैंने पूछा था, ठीक है, तो क्या ये मेटल है, तो बोलोगे नहीं है, गैस है। हीलियम क्या है, तो हीलियम भी क्या है, गैस है। तो आपका पहला मेटल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर लिथियम है ना, पहला जो है वो लिथियम है, लिथियम जो है इससे हमारी बैटरीज बनती हैं, तो पहला मेटल कौन सा है, तो आप बोलोगे लिथियम जो है इसका सही जवाब है, लिथियम हमारा पहला मेटल है। क्लियर सबको, हाइड्रोजन एक के क्या है, तो ये गैस है, और देखिए अंडरलाइन मैंने क्या हुआ है कि मैंने मेटेलिक एलिमेंट पूछा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, मतलब जिसको बैडली इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अट्रैक्ट करता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या वो कार्बन है, फ्लोरीन है, या आपका आयोडीन है, ठीक है। कार्बन, फ्लोरीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एलिमेंट कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं है, कोई और ही है, लिथियम ही होगा, बिल्कुल तृष्णा लिथियम ही होगा, ठीक है। पूजा अनामिका लिथियम, तो यहां पर शक्ति ने बताया कि सर फ्लोरीन को जो है लॉक कर दिया जाए, फ्लोरीन या क्लोरीन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, हाँ बैटरी बनाने में फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ जो है ज्यादातर लोग जा रहे हैं। अब देखिए कौन कंफ्यूज हो रहा था, तो एक के कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्लोरीन भी तो हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, क्यों, क्योंकि इसको सबसे बैडली इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसी को होती है, ठीक है, 2-7 मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाएगा। अब क्लोरीन का क्या ज्यादा होता है, तो इसकी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफर्निटी, इलेक्ट्रॉन एफर्निटी, एफर्निटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफर्निटी अगर आपसे पूछा गया एक के सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो फ्लोरीन की नहीं क्लोरीन की होती है, और ये क्या होती है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जो एनर्जी एक्सपेंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉन एफर्निटी। अगर आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन एफर्निटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन की, तो आपको वहां पर फ्लोरीन के साथ नहीं जाना है, क्लोरीन के साथ जाना है, कब, जब वो इलेक्ट्रॉन एफर्निटी पूछेगा। बेटा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है किसी भी एटम या एलिमेंट के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का जितनी क्यूरोसिटी होती है, जितना उसको चाहिए होता है, जितनी उसके अंदर क्यूरोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, उसको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन एफर्निटी किसकी होती है, तो क्लोरीन की, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्यूरोसिटी जिस जो बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या आपका कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा आई थिंक कौन सा चार्ज होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, एफिनिटी नहीं एफिनिटी, ठीक है। तो यहां पर बोंगी ने बताया, प्रेम ने बताया कि सर ए नंबर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जब होता है तो उसके अंदर ऊपर क्या होना चाहिए, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, माइनस में चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है चार्ज, ये हमारा किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो बोंगी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उस कोर्स का क्या नाम है, NTPC में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस, NTPC में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, तो कहाँ पर,
testbook.com पे, ठीक है। 4 बजे से लाइव होंगे हम लोग, 4 बजे से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और उसमें क्या होगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम लोग इंडियन बैंकिंग जो है, इंडियन बैंकिंग और हमारा मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारा कब से स्टार्ट होगा, तो ये आज से स्टार्ट होने वाला, कितने बजे से, तो 4 PM से स्टार्ट होगा। तो इसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जाएंगे। 500 क्वेश्चंस जो है ये हमारे होने वाले हैं, 500 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें होते हैं, आपको बताना है। देखिए फिर से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट कर दिया, ठीक है। किसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, आयोडीन या क्लोरीन, किसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ बेटा, इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है तृष्णा। हम लोग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते चलेंगे और वो क्वेश्चन हमने कर लिए ना, तो आई थिंक आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकोनॉमिक्स सफिशियंट वहां पर आपको मैं बता दूंगा। देखिए फिर से गलती करें, ड्यूटेरियम साइंटिफिक नेम वाला PDF नहीं मिला, ठीक है। साइंटिफिक नेम वाला PDF आपको आज शाम को नहीं तो कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम वाला। तो देखिए ड्यूटेरियम के पास जो लोग हैं वो ज्यादा जा रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है सेम होते हैं, तो 1H2, ठीक है, एक न्यूट्रॉन और ये क्या है, एक सॉरी प्रोटॉन है ये, एक प्रोटॉन और ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 1+1, ये 1 और ये भी 1, तो क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम बेटा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा, ड्यूटेरियम होगा, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है 1H2, ठीक है। ये होता है प्रोटॉन और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो 2 मिलकर के हो गए 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो थे बेटा आज के क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऊपर, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन टाइप का था। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग एक एक टॉपिक केमिस्ट्री का उठाएंगे और उन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उन टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का था, केमिस्ट्री का अवेयर करना था। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।